आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मध्य प्रदेश के त्रिकोणीय चुनाव की घोषणा होते ही शराब के अवैध कारोबारी सक्रिय नजर आने लगे हैं। साथ ही अवैध शराब का कारोबार बड़े स्तर पर करने जा रहे हैं साथ ही अवैध शराब का कारोबार बड़े स्तर पर करने के लिए आगे हैं। हम बात कर रहे हैं भीतरवार विकास खंड के चकमियापुर कंजर के डेरों की। आपको बता दें कि ग्राम पंचायतों में चुनाव में खड़े हो रहे उम्मीदवार अपने वोटरों को रिझाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उनमें से चोरी छिपे एक शराब वितरण करना और पिलाना भी है। इसी के मद्देनजर भीतरवार पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्यवाही कर कंजरों के डेरे पर ताबड़तोड़ कार्यवाही की। इस कार्रवाई के दौरान 30,000 किलो गुड़ लहन को मौके पर ही नष्ट किया गया जिसकी कीमत लगभग 15 लाख बताई जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान मौके से एक आरोपी संजय उर्फ संजू कंजर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से न्यायालय के द्वारा उक्त आरोपी को जेल भेज दिया गया। आज की कार्रवाई गोलपुरा और गोहिंदा में कंजरों के डेरे पर की गई। ये कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई है। इस कार्रवाई में 30,000 केजी गुड़ लहन जब्त किया गया जिसकी कुल अनुमानित कीमत 15 लाख रुपए आंकी गई है। इस कार्रवाई में गोहिंदा से एक आरोपी संजय उर्फ संजू कंजर को गिरफ्तार किया गया है जो कि 17 जनवरी 2021 के एक मामले में फरार चल रहा था जिस पर 34(1), 34(2), 49 का की धाराओं के तहत प्रकरण कायम था। इस आरोपी को माननीय न्यायालय भीतरवार में पेश किया गया है और जिस पर जो है माननीय न्यायालय द्वारा उसको जेल भेजा गया है। इस कार्रवाई में ग्वालियर की टीम व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई थी और इस कार्रवाई में मोनिका पाठक और निधि गुप्ता, रविशंकर यादव और सपना यादव ये सभी आबकारी उप निरीक्षकों की सराहनीय भूमिका रही। इसके साथ हमारे आबकारी आरक्षक श्री बलबीर प्रसाद कटारे और चौहान साहब और अन्य आबकारी बल और पुलिस बल की सराहनीय भूमिका रही और इस प्रकार की जो कार्रवाई आगे